ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪੂਰਾ ਉਤਰੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 22,97,000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਕੇ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇ ਔਰ ਸਾਥ ਦੀ ਗਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਨਈ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबद इकबाल। आप देखिए ऑनलाइन गुफ्तगू। छोटे होते हुए एक स्टोरी पढ़ा करते थे कि होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आज उसकी जिंदा मिसाल हमारे साथ बाबा हनीफ मौजूद हैं। चंद दिन पहले इन्हें एक रकम मिलती है, ये असल बंदे तक कैसे पहुंचाते हैं, आइए इनसे जान कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी की हाल चाल है? अल्लाह की रहमत है बेटा, जात पाक दा बड़ा करम है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी किधर दे काम कर रहे हो? बाबा जी मैनु तकरीबन 2 साल हो गए काम कर रहे। 2 साल से। बाबा जी कितने बच्चे? 6 बच्चियां ने, अल्लाह ने एक बच्चा दिता। बच्चा की करदा जी? बच्चा रंग वालिया ना काम करदा, मजदूरी दिहाड़ी शहाड़ी करदा, रंग पेंट वालिया ना। बाबा जी इतनी बड़ी अमाउंट मिली, कोई अच्छी जी दुकान बना लेंदे, कोई अच्छा मकान बना लेंदे, कोई अच्छा कारोबार कर लेंदे? ओ बेटा गल पता की हैगी है, ये जिंदगी हैगी अल्लाह दी दित्ती हुई अमानत, ये वापस जाना अल्लाह ताला कोले। अल्लाह तबारक ताला अपने खजाने चो हर बंदे नु नवाजदा। मां दे शिकमे च बच्चा पैदा नहीं होया हुंदा ते उत्थे रिज़क पहुंचाउंदा। अल्लाह ताला ने मैनू अजमाया, अजमैश पाया, अल्लाह ताला दे फजल ना मैं अपनी अजमैश पूरा उतरी। ये अल्लाह दा फजल सीगा कि मैनू 22,97,000 रुपया मिलिया। घंटे बाद बंदा आ गया, उन्हें आके आख्या बाबा मेरे इतने पैसे डिगे है। मैं क्या बिलकुल डिगे है, लेकिन तू निशानी दस। उन्हें कहा जी मेरा 22,97,000 रुपया वा, उहदे विच पर्ची भी मौजूद सी। मैं क्या देख बच्चा पैसे तेरे होंगे लेकिन एदे तो अलावा कोई निशानी। उन्हें कहा जी सारा सीरियल नंबर मेरे कोल है। उन्हें सीरियल नंबर दिखाया, असीं उन्हूं कहा भी पुत्र आ तेरी अमानत है ते तू लै जा। एदे तो अगे गल ये हैगी है कि अल्लाह तबारक ताला कोलों सिला मंगो, बंदे कोलों नहीं। अगर वो मैं 50,000 उहदे कोलों लै भी लैंदा, मैनूं दे भी दिंदा, लख दे दिंदा, किन्ना चिर खांदा। अल्लाह ताला दा शुक्र, अल्लाह रिज़क दे रिहा मैं खाने। अच्छा बाबा जी ये दसो कि जैसे मैं बंदा इतने आया पैसे लैन वास्ते, उन्हें पता लग गया कि मैंने मेरे पैसे मिल गए, की खुशी सी, की उनके चेहरे का इशारा सी? ओदे बहुत तासर से कहना बाबा जी मैं तेरा शुक्रिया अदा करदा। मैं क्या शुक्रिया अदा कर मालिक दा, उन्हें मैनू तफीक दिती, मैं ठाला रस्ता वगदा। अगर कोई होर लै जांदा तैनू कित्थों मिलने सी, मैनू अल्लाह ताला ने तेरे पैसों वास्ते बहाया, बहाना बन गया। ते तेनू बाबा जी अपनी अमानत लै ते जाके बैंक च जमा करा, साडे हाथ च भी दुआ कर ते आपदे च भी कर। बाबा जी ओ किथों दा रहण वाला बंदा सी? ओ बंदा हैगा तुलुंबे दे रहण वाले, ते इत्थे प्रॉपर्टी दा ते वीजा दा काम करदे इत्थे, ते ओ बैंक च जमा कराण वास्ते जा रहा सी, जंप लगा पैसे गिर गया, ते पौने घंटे घंटे बाद ओ वापस आया, उन्हें आके उसकी अमानत मंगी असीं दे दी। बाबा जी कोई नाम नूम नहीं दिता? नहीं, असी अल्लाह ताला कोलो उन्हें देन दी कोशिश की थी, असी के असी अल्लाह तबारक ताला कोलो लवांगे और वो दे रहा वा सिखा रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पैगाम देना चाहो कि बहुत सारी दुनिया बहुत सारे अपने नौजवान ये आगा कि अगर किसी बंदे कोलो कोई अमानत किसी दी उन्हें मिलती है तो उन्हें वापस लटोनी चाहिए। अल्लाह से अल्लाह के रसूल का फरमान ही ये है, अल्लाह तबारक ताला कोलो मंगो और अल्लाह दिंदा, आसानियां पैदा करता। किसी दे माल से बंदा अमीर नहीं हो सकता। मेरे आका दी हदीस मौजूद है कि हर वो चीज जिहड़ी तुहानू मुख च मिलदी है तुहाडे लई चंगी नहीं है। असीं ते इस हदीस दे हवाले नाल इह गल कही। दूसरी गल इह है मेरे मौला अली ने हिजरत दे टाइम अल्लाह दे नबी ने फरमाया अली मेरे कोल काफरां दीआं मानतां है नहीं, लुटा के ते फिर मदीने आ मेरे मगर। इसे तरह ते असी कैसे मुसलमान है दूसरे का हक खान लग गया, सब कुछ भूल जाने। मेरी इल्तिजा है अगर किसी की इमानत किसी नूं मिले तो उन्हें लटोनी चाहिए। मुसलमान होने के नाते यही चीज मुसलमान का पहली जड़ी है ना, एक कड़ी है। हाँ जी।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे साथ बाबा हनीफ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि किस तरह उनको पैसे मिलते हैं और फिर वो बंदा कैसे इनको ढूंढते हुए जो है वो यहाँ पर पहुँचता है। हमेशा ऐसे लोगों की वजह से ही हमारी ये जो दुनिया है ये कायम है और इसी तरह के जो नेक लोग हैं इन्हीं की वजह से आज हम आबाद हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस वक्त हमें देख रहे हैं। अगर आपको किसी की अमानत मिले तो कोशिश किया करें कि कोशिश किया करें कि उस बंदे को ढूंढा करें और उसकी अमानत जो है वो उसको पहुंचाया करें ताकि वो बंदा पता नहीं किस परेशानी के अंदर हो। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।